नमस्कार दोस्तों, इस हफ्ते के वीकली वाणी के एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए चलते हैं, जानते हैं इस हफ्ते के कुछ मेजर इवेंट्स, न्यूज और ट्रिगर्स के बारे में। दोस्तों यहाँ पे रिटेल निवेशकों के लिए एक बहुत अच्छी खबर आ रही है कि बहुत जल्द सेबी जो है वो T+1 सेटलमेंट साइकिल लेके आने वाला है। दोस्तों यहाँ पे प्रमुख बात यह है कि आपका जो पैसा है कैश सेगमेंट के अंदर 24 घंटे से कम के अंदर वापस आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों इससे बेटर मनी सर्कुलेशन होगा और काफ़ी निवेशक, अगर मान लीजिए मैं कैश सेगमेंट में किसी स्टॉक को सेल करता हूँ, मुझे दूसरा स्टॉक बाय करना है, तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा समय वेट करने की आवश्यकता नहीं है। T+1 सेटलमेंट साइकिल के बारे में काफ़ी समय से चर्चा हो रही है, लेकिन अब ये बहुत जल्द जो है रियलिटी होने वाली है। तो T+2 की जगह जो है अब T+1 सेटलमेंट साइकिल ज़रूर शुरू हो जाएगी। दोस्तों अब चलते हैं अगले महत्वपूर्ण एक न्यूज़ आर्टिकल जो मैंने पढ़ा, वो मैं आपका ध्यान इसकी तरफ आकर्षित करना चाहूँगा। दोस्तों यहाँ पे मैरिको के बारे में ये एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, किस तरीके से मैरिको ने HUL के साथ फाइट किया जो कोकोनट ऑयल सेगमेंट के अंदर। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, अगर आप इसे पढ़ना चाहें किस तरीके से FMCG कंपनीज काम करती हैं और उसके बाद HUL जो है वो कोकोनट ऑयल सेगमेंट से निकल गया, किस तरीके से मैरिको ने इसको फाइट किया, किस तरीके से उन्होंने सर्वाइव किया। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, अगर आप बिजनेस केस स्टडीज़ पढ़ना पसंद करते हैं तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। दोस्तों अगली न्यूज़ जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके बारे में हमने चर्चा भी की थी। RBI ने रेपो रेट को सेम रखा है, स्टेडी रखा है, जैसा कि हमने पिछले हफ्ते के वीकली वाणी में चर्चा भी की थी। और RBI का ये मानना है कि GDP की ग्रोथ का जो टारगेट है वो 9.5% है। तो यहाँ पे RBI जो है इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज नहीं कर रहा, तो यहाँ पे काफ़ी दर्शकों के मन में सवाल आता है कि जो ये लो इंटरेस्ट रेट क्या ये कायम रहेंगे अगर मान लीजिए RBI इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं करता। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपका ध्यान एक और न्यूज़ आर्टिकल की तरफ दिलाना चाहूँगा, यहाँ पे FD के रेट्स बढ़ सकते हैं डिस्पाइट RBI स्टेटस को, मतलब RBI अगर नहीं भी इंक्रीज़ करता जो रेपो रेट है, इसके बावजूद FD के रेट्स इंक्रीज़ हो सकते हैं। तो यहाँ पे इसके कारण बताए गए हैं इस आर्टिकल में। यहाँ पे बताया गया है कि जो आपकी 10-year G-Sec yield है, ये आपने देखा कि ये इंक्रीज़ हो रही है, जो कि इस समय 6.2% के अराउंड है, इन्फ्लेशन भी इंक्रीज़ हो रही है, तो यहाँ पे आज नहीं तो कल ये इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। और यहाँ पे अगर आप FD में इंटरेस्ट रखते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो ये आर्टिकल आपको सजेशन भी देगा कि किस तरीके से आप इस समय अपनी FD कर सकते हैं। दोस्तों इसी पॉइंट को पुख्ता करते हुए एक और आर्टिकल मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे जो फ्लोटिंग रेट फंड्स हैं उसके अंदर अच्छा खासा जो है इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। दोस्तों फ्लोटिंग रेट फंड्स के अंदर जो ह्यूज इनफ्लो है उसका कारण ये है कि इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होंगे, तो इस वजह से फ्लोटिंग रेट फंड्स के अंदर निवेश किया जा रहा है। दोस्तों एक और सवाल मुझे काफ़ी बार देखने को मिलता है कि डेट फंड के बारे में आप चर्चा करते हैं, लेकिन ये अलग अलग प्रकार के जो डेट फंड्स होते हैं, फ्लोटिंग रेट फंड्स, शॉर्ट टर्म, लो ड्यूरेशन, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, आप इसके बारे में बताइए। तो मैं आने वाले हफ्ते में एक ऐसा वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा जहां पे मैं लगभग सभी प्रकार के डेट फंड्स के बारे में आपको ब्रीफली बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन दोस्तों यहां पे अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होते हैं तो समरी के तौर पे मैं आपको बता देता हूं कि फ्लोटिंग रेट फंड्स जो हैं उनको फ़ायदा होगा, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स जो हैं उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जब इंक्रीज करते हैं तो ये फंड्स का जो आपका रिटर्न है वो बेटर होता है, और अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होते हैं तो लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स को इसका बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपनी अगले न्यूज़ के ऊपर। यहाँ पे दोस्तों आपने देखा होगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और फ्यूचर ग्रुप्स के जो स्टॉक्स थे उसके अंदर गिरावट देखने को मिली। इसके पीछे कारण ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दिया है Amazon की फेवर में, और ये केस क्या है इसके बारे में हम पहले भी ब्रीफली चर्चा कर चुके हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये पूरा मामला है क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज, फ्यूचर ग्रुप्स और Amazon के बीच में, तो इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो फिर से आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप ऐसा कोई वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने
जो डिसीजन है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज और फ्यूचर ग्रुप के अगेंस्ट दिया है और अमेजोन के फेवर में दिया है, इसलिए इन दोनों के स्टॉक्स नीचे गिर गए। दोस्तों यहाँ पे जो है आपने देखा होगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक के गिरने का कारण जो है वो कई जो आप देखेंगे न्यूज़ रिपोर्ट्स वहाँ पे अलग अलग बताए गए हैं, लेकिन किसी ने भी सही रीज़न नहीं बताया। सही रीज़न ये है और ये न्यूज़ जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई या काफ़ी ज़्यादा मीडिया में नहीं आई, लेकिन यहाँ पे सही कारण ये है। और यहाँ पे जो कारण आपको और कोई कारण बताए जा रहे हैं वो सब कारण गलत हैं, तो अगर आप ये न्यूज़ पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगली काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ है, अगर आप मान लीजिए रिट्स या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में निवेश करते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। फिर से यहाँ पे जो मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू है उसको फिर से कम कर दिया गया है और यहाँ पे जो पहले की रिक्वायरमेंट होती थी रिट्स के लिए 50,000 और INVITS के लिए 1,00,000 था, उसको कम कर दिया गया है। तो ये जो नई नोटिफिकेशन है ये 30 जुलाई को आई है, तो अगर आप मान लीजिए रिट्स या इनविट्स के अंदर निवेश करते हैं तो वहाँ पे अब आपको कम वैल्यू के अंदर जो है आप इसके अंदर निवेश कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो कट डाउन हुआ है ये 10,000 से 15,000 का हुआ है दोनों के बीच में, तो काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो अगली न्यूज़ है वो अच्छी खबर है कि इंडिया का जो PMI मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है वो 3 महीने के हाई पे पहुँच गया है और अब ये कॉन्ट्रैक्शन से एक्सपेंशन जोन में आ गया है। इसकी चर्चा हम पहले भी कई बार कर चुके हैं, ये वैल्यू अगर 50 से कम होती है तो कॉन्ट्रैक्शन होती है, 50 से ऊपर होती है तो एक्सपेंशन होती है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो है जुलाई के महीने में 55.3 था, इसका मतलब यहाँ पे एक्सपेंशन देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों ग्लोबली अगर आप देखेंगे जो कुछ इंडेक्स जिनके ऊपर हम जो है नज़र रखते हैं, ग्लोबल कंपोजिट PMI इंडेक्स जो है वो बेसिकली अपनी 4 महीने के लो पे पहुंच गया है। तो जुलाई के महीने में जो ये वैल्यू थी 55.7 थी और यहाँ पे जो बड़ी इकोनॉमीज़ जो कि काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी वहाँ पे थोड़ा सा जो है कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है और इनफैक्ट इंडिया के अंदर भी यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। तो यहाँ पे हमें मिक्स न्यूज़ देखने को मिल रही है कि मैन्युफैक्चरिंग PMI इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन जो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ का एक इंडेक्स है वो यहाँ पे 4 महीने के लो के ऊपर है। दोस्तों चलते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर, यहाँ पे काफ़ी अच्छी खबर आ रही है, गवर्नमेंट जो है वो अमेंड कर रही है इनकम टैक्स एक्ट को, जहाँ पे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स की जो डिमांड्स हैं उनको नलीफाई किया जा रहा है। दोस्तों इससे वोडाफोन आइडिया और कैन एनर्जी को जो है काफ़ी फ़ायदा मिलेगा अगर ये डिमांड्स जो हैं विड्रॉ कर ली जाती हैं। और दोस्तों इस पर्टिकुलर न्यूज़ से एक ग्लोबल इन्वेस्टर्स के अंदर काफ़ी पॉजिटिव मैसेज जाएगा कि इंडिया जो है वो काफ़ी फ्रेंडली कंट्री है और यहाँ के जो इनकम टैक्स रूल्स हैं वो भी काफ़ी कॉरपोरेट फ्रेंडली हैं। तो यहाँ पे जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स था इसकी वजह से एक नेगेटिव मैसेज जा रहा था, लेकिन अब इसको नलीफाई कर दिया जाएगा जिससे एक पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट होगा और इंडिया के अंदर और ज़्यादा FDI आने की संभावना है। दोस्तों अगली न्यूज़ के ऊपर चलते हैं, यहाँ पे जो जी ग्रुप है जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेट था, यहाँ पे उनके चेयरमैन ने बोला है कि उन्होंने 91% जो भी उनका टोटल डेट है उसका 91% पे कर दिया है, तो काफ़ी अच्छी खबर है। और इस चक्कर में जो जी एंटरटेनमेंट का स्टॉक था उसकी काफ़ी ज़्यादा पिटाई भी हमने देखा था पास्ट में हुई थी, लेकिन अब ये जो डेट है इसको क्लियर कर दिया गया है जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है जी ग्रुप के स्टॉक्स के लिए। दोस्तों चलते हैं अगली खबर के ऊपर, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो थर्मल कोल का प्राइसेस है इंटरनेशनली वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। तो दोस्तों कॉमोडिटी के अंदर कोल आता है और यहाँ कॉमोडिटी के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, इस आर्टिकल के अंदर इसके कारणों को बताया गया है और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि कोल जो है जो इस साल के 2 बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास हैं, रियल एस्टेट जो कि 28% ऊपर है, फाइनेंशियल स्टॉक्स जो कि 25% ऊपर हैं, तो इनसे आगे आ चुका है रिटर्न्स के मुकाबले या रिटर्न्स को अगर आप कंपेयर करें, और केवल ब्रेंट क्रूड जो है वो कोल से
आगे है 44% पे। तो दोस्तों ओवरऑल जो है कॉमोडिटी के प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं। कॉमोडिटी के प्राइसेस अगर इंक्रीज़ होते हैं तो उसका सीधा सीधा फ़ायदा उन पर्टिकुलर स्टॉक्स को जाता है जो कि इन पर्टिकुलर कॉमोडिटीज़ में डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर कोल का प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है तो बेसिकली यहाँ पे कोल इंडिया को फ़ायदा हो सकता है या उन स्टॉक्स को फ़ायदा हो सकता है जो कोल में डील कर रहे हैं। पास्ट में हमने देखा कि जो मेटल के प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे थे, स्टील के प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे थे, तो उसका सीधा सीधा बेनिफिट मेटल स्टॉक्स को मिला। तो ये जो कॉमोडिटी डिपेंडेंट स्टॉक्स होते हैं ये बेसिकली कॉमोडिटी प्राइसेस अगर इंक्रीज़ होते हैं तो इनको सीधा सीधा फ़ायदा मिलता है। दोस्तों अगली न्यूज़ जो है वो IMF की तरफ से है। यहाँ पे IMF ने वॉर्न किया है कि जो क्रिप्टो की वाइड स्प्रेड एडॉप्शन हो रही है उसका जो सीधा नुकसान जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे पड़ेगा। तो आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है पॉइंट यहाँ पे रेज किया गया है। और यहाँ पे IMF को काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है, चिंता हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एक कंट्री है एल सेल्वाडोर, उन्होंने बिटकॉइन को एज ए लीगल करेंसी एक्सेप्ट कर लिया है। तो अगर आप बिटकॉइन में निवेश करते हैं हो सकता है आपको ये न्यूज़ पसंद ना आए, लेकिन हमारा काम यहाँ पे इस चैनल के ऊपर एक न्यूट्रल व्यू रखना होता है और यहाँ पे दोनों तरफ की न्यूज़ हमें जाननी ज़रूरी है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। दोस्तों यहाँ पे अगली जो खबर आ रही है काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है कि जो पेट्रोल की डिमांड है वो प्री कोविड लेवल पे आ चुकी है। तो फ्यूल डिमांड जो है वो बेसिकली प्री कोविड लेवल पे आ चुकी है। तो इसका मतलब जो मोबिलिटी है वो स्टार्ट हो गई है। जैसा कि आपने देखा कि सेकेंड वेव के बाद लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शंस लगभग सभी जगह से हट चुकी हैं, तो इस वजह से फ्यूल की डिमांड इंक्रीज़ हो रही है और ये प्री कोविड लेवल पे आ चुकी है। ये भी दर्शाता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों अब चलते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर। यहाँ पे दोस्तों गवर्नमेंट ने एक जो है सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट्स रूल 1957 इसको ट्वीक किया है। तो यहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ हैं उनको एग्जम्प्ट किया जा सकता है मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म से। तो जैसा कि आपको मालूम है कि किसी भी लिस्टेड कंपनी के अंदर मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग 25% होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक जिसको कह लीजिए बदलाव किया है जिसके अंदर वो एग्जम्प्ट कर सकती है किसी भी पब्लिक सेक्टर कंपनी को कि वो इस पर्टिकुलर रूल से एग्जम्प्ट हो जाएगी। मतलब वहाँ पे उस कंपनी के अंदर पब्लिक शेयर होल्डिंग 25% से कम हो सकती है। दोस्तों इसका सीधा सीधा ताल्लुक जो है बेसिकली प्राइवेटाइजेशन से है, जिसकी चर्चा हमने पिछले हफ्ते के वीकली वाणी में भी की थी। तो वहाँ पे हो सकता है कि जो कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी अगर मान लीजिए किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी में निवेश करती है या गवर्नमेंट वहाँ पे डाइवेस्ट करती है अपना स्टेक, तो बेसिकली उनकी ये कंडीशन भी हो सकती है, या कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न इस तरीके का बन सकता है कि पब्लिक शेयर होल्डिंग को 25% से कम रखना पड़े। तो ये मेरा पर्सनल कंक्लूजन है, गलत भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से इसी कारण से ये रूल के अंदर बदलाव किया गया है। दोस्तों अगली जो न्यूज़ है वो चाइना की तरफ से है। यहाँ पे टेंसेंट का जो स्टॉक है वो काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर गिरावट देखने को मिली, क्योंकि चाइना जो है अब ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर क्रैकडाउन कर रहा है। तो दोस्तों ये तीसरा इम्पॉर्टेंट सेक्टर है जहाँ पे इस समय क्रैकडाउन किया जा रहा है। पहला था टेक, जिसकी चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। दूसरा था एड टेक, एजुकेशनल जो कंपनीज़ हैं ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर, उसको एड टेक भी कहा जाता है, तो उनके ऊपर क्रैकडाउन किया गया। तीसरा जो है अब ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर क्रैकडाउन किया जा रहा है। इसके कारणों की चर्चा हम ऑलरेडी एक पहले वीडियो में कर चुके हैं, तो अगर आप इसके कारणों को जानना चाहते हैं, कारण वही है, तो अगर आप उन कारणों को जानना चाहते हैं तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे सेवी ने कुछ KYC नॉर्म्स को रिलैक्स किया है FPIs और फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। उनको अब अपना मोबाइल नंबर और इनकम डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं है। FPIs के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि वो नॉर्मली रिजिस्ट करते हैं इस इंफॉर्मेशन को शेयर करना। तो इससे जो है FPIs के बीच में एक पॉजिटिव न्यूज़ जाएगी और मे भी हो सकता है कि और ज़्यादा FPIs इंडिया के अंदर निवेश करें, क्योंकि अब
उनको अपनी इनकम मोबाइल नंबर देने की आवश्यकता नहीं है, मोबाइल नंबर की जगह लैंडलाइन नंबर सफिशियंट है। दोस्तों अब चलते हैं यहाँ पे मार्केट के ऊपर। मार्केट पिछले हफ्ते 3.01% ऊपर गई और इसने 16,000 के लेवल को क्रॉस कर लिया। दोस्तों यहाँ पे गोल्ड के ऊपर चलते हैं। गोल्ड में आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली 6 अगस्त को। बेसिकली ये डेली और वीकली बेसिस के ऊपर पिछले जिसको कह लीजिए 2 महीने की सबसे बड़ी गिरावट है। दोस्तों इसका कारण जो है वो बॉन्ड यील्ड और डॉलर की राइज को बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप गोल्ड के निवेशक हैं तो आपको ये मालूम ही होगा कि गोल्ड के अंदर इस तरह की जो मूवमेंट्स हैं वो होती रहती हैं। यहाँ पे पहले भी गोल्ड ऑलरेडी लगभग 1750 के लेवल के आसपास आ चुका है जून के महीने में। तो बेसिकली गोल्ड जो है वो एक इन्फ्लेशन का हेज होता है, तो इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है तो ये एक जो है मूव जो ये आया यहाँ पे कुछ न्यूज़पेपर्स के अंदर, इसका कारण बताया जा रहा है कि हॉकिश स्टैंड जो है वो यूएस के फेड का है, उसकी वजह से भी ये गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन नॉर्मली जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि इस तरह की जो गिरावट होती हैं वो एक बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी होती है गोल्ड इन्वेस्टर्स के लिए। ये मेरी तरफ से कोई सलाह नहीं है लेकिन ये मैं आपको एक्सपर्ट्स का व्यू बता रहा हूँ। तो इस आर्टिकल के अंदर इसके कारणों को बताया गया, अगर आप पढ़ना चाहें तो ये लिंक कमेंट सेक्शन के अंदर दिया गया है। दोस्तों अब चलते हैं इस हफ्ते के कुछ महत्वपूर्ण इवेंट्स के ऊपर। कुछ खास इवेंट्स तो है नहीं, केवल थर्सडे को शाम को 5:30 बजे CPI का डेटा रिलीज होगा तो इसकी जो है इम्पॉर्टेंस थोड़ी सी रहती है। मार्केट इसके ऊपर ज़रूर रिएक्ट करती है। जैसा कि हमने पिछले हफ्ते चर्चा की थी, रेपो रेट का जब अनाउंसमेंट होता है तो मार्केट डेफिनेटली रिएक्ट करती है और मार्केट ने फ्राइडे को रिएक्ट किया भी। तो कुछ इवेंट्स होते हैं जिनका मार्केट के ऊपर एक इम्पैक्ट होता है। तो दोस्तों ये था इस हफ्ते का वीकली वानी। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर आप आने वाले समय में इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पर विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं, उसके साथ दिखाए गए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय सेल या होल्ड की पोजिशन बनाए। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लें। तो दोस्तों इस हफ्ते का वीकली वानी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।